पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की सेहत संबंधी कुछ लोग अधूरी व गलत जानकारी सोशल मीडिया व मेनस्ट्रीम मीडिया पर देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो सही नहीं है। पूज्य गुरु जी को जेल में बार बार पेट दर्द व ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की शिकायत हुई है, जिसके कारण पूज्य गुरु जी की PGI रोहतक में CT स्कैन व अन्य जाँच करवाई गयी। डॉक्टरों की सलाह पर PET स्कैन व अन्य जरूरी टेस्ट करवाने के लिए पूज्य गुरु जी को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 6 जून को लाया गया था। पूज्य गुरुजी के PGI में हुए CT स्कैन में पैनक्रियाज में सोजिश नजर आई थी, जिसके चलते मेदांता में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच की जा रही है। अस्पताल के नियमानुसार गुरुजी का कोविड रैपिड PCR टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुजी को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 7 जून को RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पूज्य गुरुजी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूज्य गुरुजी की देखरेख हॉस्पिटल के नियमानुसार परिवार में उनके बेटे जसमीत जी इंसा, बेटियां चरणप्रीत जी इंसा, हनीप्रीत जी इंसा व अमरप्रीत जी इंसा कर रहे हैं। साथ संगत से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं आना है और सभी ने ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना है और अरदास करनी है कि पूज्य गुरु जी सदा स्वस्थ रहें। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।